मेट्रो स्टेशन राइट नाउ वेटिंग फॉर माई मेट्रो और सुबह के 5:30 बजे हुए हैं जस्ट फॉर वन लोकेशन. आज मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के घर से निकली हूँ. आप देख सकते हो पीछे व्यू कितना अंधेरा है. और अभी हमें मोहन नगर मेट्रो स्टेशन पहुँचना है. वहाँ पे हमें एक और फैमिली से मिलेंगे सुमित जी की. ही इज ऑल्सो यूट्यूब. तो ये रहे हमारे बिजी मॉर्निंग वासु अपनी मम्मी के साथ. बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए वासु, है ना. से हाय. हाय गुड्डू. हाय करू. ये अभी नींद में है क्योंकि इनको सुबह सुबह 4 बजे उठाया इनके पापा ने, जो इनके साथ बहुत ज्यादती की है. तो अभी हम जब यमुना घाट पहुंचेंगे तो वासु की बैटरी चार्ज हो जाएगी. धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है बैटरी चार्ज. मीट सुमित जी, ही इज ऑल्सो अ व्लॉगर. अपने पूरे गैजेट के साथ तैयार होके आए और मुझे कॉम्प्लेक्स फील करा रहे हैं बहुत ज्यादा. मैं घाट नंबर 24 में रहता हूँ, यमुना बाजार दिल्ली से. जैसे लोग यमुना घाट कहते हैं, यमुना घाट नहीं है, यमुना बाजार दिल्ली से है. और कुछ लोग है ना निगम बोध घाट की तरफ भाग जाते हैं, शमशान घाट. जो निगम बोध अगर आपको लोकेशन शो करता है ना तो वहाँ मत जाए, उससे अपोजिट पड़ता है यमुना बाजार घाट. तो वहाँ पर आए घाट नंबर 24 में. और एक दो कुछ वैसे भी लोग यहाँ मिल जाते तो उससे थोड़ा सावधान रहे. यहाँ पर जब बाहर के टूर आते हैं ना उनको गुमराह करते हैं, तो उनकी बातों में ना आए. जब भी आए तो मैं यहाँ मिलता हूँ 24 घाट नंबर पे. और जितने फोटोग्राफर सारे फॉलो करते हैं मेरे पेज को इंस्टाग्राम के, तो बहुत लोग आते हैं मेरे पास. तो आप अपने इंस्टाग्राम पेज का नाम बताइए. गणेश घाट नंबर 24 है. ओके. तो मेरा मतलब 10 कंट्री के लोग फॉलो करते हैं मेरे पेज को. क्या बात है. इसके स्टेट लेवल के सारे फोटोग्राफर है, दिल्ली के 90% फोटोग्राफर है. बर्ड्स यहाँ पे कब कब आती हैं? कब तक रहती हैं? नवंबर से और मार्च तक रहते हैं यहाँ पर. ये सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? ये यही टाइम है जो आप फरवरी, इसमें सनराइज भी होता है और बर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं. अरे मस्त है, टेंशन ना लो. सो आई एम फाइनली डूइंग बोटिंग आल्सो एट यमुना घाट. बस थोड़ी दिक्कत ये है कि फॉग बहुत है, और ये फॉग चला जाए तो हमें और प्यारे प्यारे व्यू और काफी अच्छे व्यूज मिल जाए. बट बर्ड्स के साथ काफी मजा आया. अभी मैंने नमकीन गिराई और उस नमकीन में इतनी सारी बर्ड्स आई ना कि हमें काफी अच्छे शॉट. अभी टक्कर मारने वाली है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस हमारा चल चालान कटने वाला है, इसलिए मैं उठ रही हूँ यहाँ पर. मैं चलता रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी. कर दो, करो करो करो. अच्छा आ रहा है, अरे और मस्त आ रहा है, मस्त. हम रेडफोर्ट जाने वाले हैं, यमुना घाट हो गया है. मगर रेडफोर्ट जाने से पहले पेट में चूहे कूद रहे हैं बहुत तेज, तो हम कुछ खाएंगे. और वासु की मम्मी को भी भूख लगी है क्योंकि हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया ही नहीं. 4 बजे ये उठे हैं, 5 बजे मैं उठी हूँ.
और हमने पहली मेट्रो पकड़ के हम यहाँ पहुँचे थे। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू यमुना घाट इज कश्मीरी गेट। पागल बनाते हैं। अभी हम बाहर खड़े थे और बैरियर लगे हुए थे, तो हमसे बोला गया कि लाल किला बंद है और काफी टाइम तक बंद रहेगा, आपको हम जामा मस्जिद या कहीं और घुमा के लाते हैं। बट हमने निकाला कि खुला हुआ है रेड फोर्ट, कोई बंद नहीं। बावरी जाने का सोच रहे थे, मगर अब माइंड चेंज हो गया है क्योंकि सुमित भाई साहब जी को सिनेमैटिक कंटेंट नहीं मिला है अपना, तो इसलिए अब हम सीपी जा रहे हैं और सीपी में हम अगरसेन की बावरी जाएंगे। ओके, एक्चुअली सीन्स कुछ ऐसे थे कि यहाँ इतनी भीड़ थी समझ में ही नहीं आ रहा क्या शूट करें क्या शूट ना करें, और हमारे साथ हमारे वाशरूम मॉडल भी थे तो समझ ही नहीं आया, इसलिए हमने सोचा कि कहीं खाली जगह में चलते, भरी हुई जगह में शूट नहीं करवा रहे, क्राउड बहुत ज्यादा और हमको बहुत बैग संभालो ये संभालो, तो इसलिए और हमारा मोर बन चुका है। जिंदगी अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम देखने, वहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। थक के अब इतनी बुरी हालत हो गई ना, मुझे तो नींद आ रही है बस, और भूख भी लग रही है। इंसान इतने एनर्जेटिक है ना, सुबह 4 बजे से उठा के अपनी बीवी बच्चों और मुझे इतना घुमाया है। सुबह 4 बजे से हमने कई सारी लोकेशन कवर कर ली। देखो यमुना घाट गए, रेड फोर्ट गए, 2 किलोमीटर पैदल चला के आपको मैं सिर्फ हम 2 किलोमीटर चले हैं, 4 किलोमीटर पैदल घुमाए इनको रेड फोर्ट देखने के बाद, और फिर उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड मिला और ऑक्सीजन की बावली, अब फिर जा रहे हैं।
so salty. I still think goodbye. Okay, you can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. फाइनली माहौल अब कुछ ऐसा है कि हम हुमायूं टॉम पहुंच चुके हैं और वासु की मम्मी और पापा अपने प्री वेडिंग को याद कर रहे हैं यहाँ पे अपने जवानी के दिन. वासु प्लीज बेबी कम विद मी. सो हियर इज वासु और हम दोनों अब अकेले हैं क्योंकि इनकी मम्मी और पापा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उनकी प्री वेडिंग हुई थी यहाँ पे. लेट देम स्पेंड देयर टाइम और हम मैं और वासु अब खेल. सबसे पहले हम यमुना घाट गए. यमुना घाट के बाद हम रेडफोर्ट गए. रेडफोर्ट के बाद हम अग्रसेन की बावली गए और फिर हम हुमायूं टॉम गए. सो दीज फोर लोकेशन वी हैव कवर्ड टुडे एंड इट्स टाइम टू गो होम नाउ. बाय बाय.